टू लर्निंग अब तो आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज सेवन फॉर चाइल्ड एंड टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग सेकेंड हाईली इंटेलिजेंट थर्ड कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स फोर्थ गुड डेट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम तो क्रिएटिव लर्नर कौन सा होता है जो प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सके सो गुड एट लेटर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द राइट आंसर नेक्स्ट 62 क्वेश्चन इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन लर्नर्स जो है वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ये तो सभी के लिए सेम है सीक्वेंस ऑफ डिवेलपमेंट ये भी स्टेप बाय स्टेप सेम है कैपेसिटी फॉर डिवलपमेंट ये भी सेम है ऑप्शन टू इज द राइट आंसर लर्नर जो है वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं रेट ऑफ डिवेलपमेंट पे क्योंकि सभी का ही डिवेलपमेंट की रेट अलग अलग होती है थर्ड एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट यूनिक कैसे है लर्नर्स डू नॉट हैव कॉमन क्वालिटी नॉर्थ एशियर कॉमन गोल्स ये गलत है लर्नर्स के कॉमन गोल्स होते हैं कॉमन करिकुलम इज़ नॉट पॉसिबल ये भी गलत है कॉमन करिकुलम तो पॉसिबल है इट इज इम्पॉसिबल टू डिवेल्प द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन हेट्रोजीनियस क्लास ये भी गलत है इट इज पॉसिबल तो राइट right ऑप्शन फिर क्या हुआ राइट right ऑप्शन हुआ ऑप्शन वन एवरी लर्नर इज़ यूनिक इसका मतलब क्या है नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी इसका मतलब क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म तो इसका मतलब ऑप्शन दिए गए हैं तो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन टू कंस्ट्रक्टिविज्म यहां पे यह चीज आ जाए रोल ऑफ लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड वो क्या हो गया कंस्ट्रक्टिविज्म उसको हम बोलते हैं थ्योरी में तो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन टू नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरली इज ए पार्ट ऑफ जब हम कंसेप्ट को डिवेलपमेंट करते हैं तो वो किसका पार्ट है इमोशनल डिवेलपमेंट इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंट फिजिकल डिवेलपमेंट सोशल डिवेलपमेंट कंसेप्ट डिवेल्प करने हैं तो फिजिकल डिवेलपमेंट का तो पार्ट हो ही नहीं सकता ना ही सोशल डिवेलपमेंट का पार्ट है इमोशनल डिवेलपमेंट का पार्ट भी नहीं है तो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन टू इंटेलेक्चुअल डिवेल्पमेंट नेक्स्ट हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर प्राइमरी है सेकेंडरी है डायनामिक है या स्टैटिक है तो हैरिडिटी जो है स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर है ये हमेशा स्टैटिक रहेगा हमेशा ये चीज़ रहेगी हैरिडिटी इज़ कंसिडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस कब होता है ये थ्रू आउट द लाइफ नहीं ये तो नहीं लगता ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड यह भी नहीं है ड्यूरिंग एडल्ट ये भी नहीं है तो राइट right ऑप्शन क्या हुआ ऑप्शन टू ड्यूरिंग अडोलसेंस नेक्स्ट हेल्पिंग लर्नर्स रिकेप्युलेट और रिकॉल वट दे हैव ऑलरेडी लर्न इज इम्पोर्टेंट बिकॉज लर्नर की हेल्प करनी ताकि जो भी उन्होंने लर्न किया है उसको वो रिकॉल कर सकें इम्पोर्टेंट क्यों है ऑप्शन है इट इज ए कन्वीनियंट बिगनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन कन्वीनियंस के लिए ये मुझे नहीं लगता इट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ रिवाइजिंग ओल्ड लेसन ये ठीक है ऑप्शन इट इन्हेंसिस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स देयर बाय स्ट्रेंथनिंग लर्निंग और एक ऑप्शन दिया गया है रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज इन्हेंसिंग लर्निंग सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा है यही सबसे सुटेबल ऑप्शन है कि हम नई इन्फॉर्मेशन को पहली इन्फॉर्मेशन के साथ जब रिलेट करेंगे तो लर्निंग बढ़ेगी तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन टू नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पाइजेट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवेल्पमेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवलपमेंट कौन सी है पहले ये भी चीज़ याद रखनी है बर्थ से लेके टू ईयर एज तक चाइल्ड लर्नस बेस्ट चाइल्ड लर्न कैसे करता है ऑप्शन बाय यूजिंग द सेंसेस बाय कॉम्प्री न्यूट्रल वर्ड्स बाय थिंकिंग इन एबस्ट्रैक्ट फैशन तो ऑब्वियस है दो साल का बच्चा है तो वो बाय यूजिंग सेंसेस ही लर्न करेगा नेक्स्ट थ्यूरी ऑफ लर्निंग विच टोटली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद थ्यूरी ऑफ लर्निंग कौन सी थ्यूरी के साथ है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आ गया तो बिहेवियरिस्ट तो थैंक यू फॉर वॉचिंग